नमस्कार, मैं हूं विनोद शर्मा और आज बैठे हैं योगेश्वर दत्त जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं बड़ौदा से। उनसे बातचीत करते हैं कितनी बड़ी मुश्किलें आएंगी इनके सामने और कैसा महसूस कर रहे हैं अभी टिकट पाने के बाद। नमस्कार और शुभकामनाएं। राम राम भाई, धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं, पहली फीलिंग कैसी? देखिए, फीलिंग बढ़िया है भाई, और टिकट मिल चुकी है और आज फार्म हम भर चुके हैं। अब तो ये है कि यहाँ से ये चुनाव जीतना, और बड़ौदा की जनता ने मन बना चुकी है कि इस बार सरकारी साथ जाके अपना विकास करना है। बड़ी मुश्किलों के बाद कहीं ना कहीं कल पहले चर्चा थी कि भूपेंद्र मलिक दिल्ली पहुंच चुके हैं, कहीं ना कहीं उनका नाम सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी गलियारों में चल रहा था, आप भी पहुंचे कुछ पहलवानों के बाद, कहीं उन पहलवानों का दमखम के बाद ये टिकट मिली है या इसके पीछे किसका क्रेडिट? ऐसी बात नहीं है, एक साल की मैंने मेहनत की थी, सभी खिलाड़ी मिले थे मुख्यमंत्री से और खिलाड़ी मिलना भी चाहते थे मुख्यमंत्री, इसलिए कि इस बार हम जीत दिलाएंगे। पिछली बार भी बहुत ज़्यादा मेहनत खिलाड़ियों ने, सभी खिलाड़ी यहाँ पे आए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, 38,000 वोट हमें मिली थी खिलाड़ी। तो बस ये था मुख्यमंत्री कि इस बार हम ये जीता फिर दौड़ी में डालेंगे, और टिकट का नहीं पता किसकी होती किसकी नहीं, सर ये पार्टी नहीं बताती, किसी भी पार्टी के आदमी ने किसी भी मीडिया में बोला कि वो उसकी हो सकती है उसकी नहीं बोलते, अपने पत्ते रात को ही पता लग गया है मिलने बाद भी कि भाई इसकी टिकट हुई है, ये चीज़ें नहीं होती, कोई किसी से वैसे तो मिल सकता है। पिछले इलेक्शन को देखते हुए अभी फिलहाल अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं इस इलेक्शन? बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, पिछली बार 15 दिन का टाइम मिला था, इसलिए कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाई और इलेक्शन को कैसे मैनेज करना है वो चीज़ें हमें नहीं पता थी। अगर एक महीना पहले आती तो जब भी परिस्थितियाँ कुछ और होती, और एक साल का टाइम मिला है, हर गांव में हमने अपनी टीम खड़ी की है, लोगों से मिले हैं, परिवारों से मिले हैं, हम परिवार गांव में परिवार बने हैं, हमारे एक पारिवारिक संबंध बने हैं, अपनापन आया है जो पीछे नहीं था, क्योंकि मैं नया था और जो कम्युनिकेशन गैप होता ना, जो एक तालमेल का, उसके अभाव में हमारी हार हुई थी। इस बार बहुत ज़्यादा मतों से विजय हुई। क्या लगता है दूसरे टिकटार्थी जो लाइन में थे उनका कितना सपोर्ट मिल पाएगा या लेग पुलिंग रहेगी? हमारी पार्टी में ऐसी चीज़ें नहीं है, पूरा सपोर्ट मिलेगा, तन मन धन से सभी सहभागी बनेंगे और साथ देंगे और कमल खिलाएंगे। जेजेपी पार्टी भी अब की बार संगठन में आपके साथ है, पिछली बार आपके गांव के उम्मीदवार थे जेजेपी के और आपकी टक्कर में रहे, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उनके चक्कर में आपकी हार हुई, अब की बार वो आपके सपोर्ट में हैं, तो क्या मान के चलते हैं इजीली आप जीत जाएंगे? बड़े भाई हैं भूपेंद्र मलिक जी, पिछली बार 2 हम कैंडिडेट थे इसलिए दिखते हैं, अगर वो अकेले होते तो वो जीतते, मैं अकेला होता तो मैं जीतता, इस बार मैं अकेला हूँ, उसका पूरा साथ आशीर्वाद है। आज मेरी मुलाकात तो ऐसे होती रहती थी पर आज मुलाकात हुई है, और इस बार गांव से एक तरफ माहौल होगा और पूरे हल्के में एक तरफ माहौल होगा। इस बार सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं? कोई नहीं है हमारा कॉम्पिटिटर, हम नहीं मानते, क्योंकि हमारा मेरा एक चीज़ करने आया हूँ यहाँ पे बस, कि भाई लोगों की सेवा करने आया हूँ और वो मेरे को सेवा करनी है, यहाँ पे मेरा राजनीतिक प्रतिनिधि कोई भी नहीं है भाई। एक सूत्र जो जिसके दम पर योगेश्वर दत्त चुनाव जीतना चाहते हो, एक बड़ा क्या आपकी टर्म रही? ईमानदारी का, इंसानियत का सूत्र है, सबके साथ ले गए, सबको साथ सबका विकास का जो नारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, हमारे मुख्यमंत्री जी का है, जो पात्रता के आधार पे बच्चे लगे हैं बिना पर्ची बिना खर्ची के, वो ही हमारे दिल में है, और भारतीय जनता पार्टी में आस्था इसीलिए है, नरेंद्र मोदी से प्रभावित, मुख्यमंत्री जी से प्रभावित, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित, इसकी नीतियों से प्रभावित, तो वही चीज़ें हैं ईमानदारी। लास्ट सवाल, क्या कांग्रेस के प्रत्याशी आपस में रोजाना बड़ी उथल पुथल के बाद ये प्रत्याशी निकल कर आए और अचानक नया चेहरा आया, उसका फ़ायदा मिल पाएगा आपको? भाई वो तो उनको पता है कैसे क्या हुआ है, हम तो अपने जो हमने काम किया हमें उसका काम का फ़ायदा मिलेगा, हमने जो एक साल यहाँ पर काम किया है, लोगों से मिले हैं, हमें उसका फ़ायदा मिलेगा, लोगों में जो विश्वास जगाया है और जो विश्वास बढ़ा है उसका फ़ायदा हमें यहाँ पर मिलेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ योगेश्वर दत्त जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं बड़ौदा से, और अब की बार जनता उन्हें कितना प्यार देगी उनसे बातचीत करके, हमने उनकी बातचीत आप तक पहुंचाई, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी बातचीत बड़ौदा से, क्या अपने मिशन को कामयाब कर पाएंगे योगेश्वर दत्त या फिर पिछली बार की तरह दूसरा कोई प्रत्याशी बाजी मार जाएगा। धन्यवाद, ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके